पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में हुए शामिल, पार्टी का भी किया विलय, अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना इजाजत निकाला पैदल मार्च। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में अराजकता की जगह नहीं, समाजवादी पार्टी से नियम का पालन करने की उम्मीद को बताया कपोल कल्पना, कहा सदन में देंगे जवाब। राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब से जुड़े सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को दिया प्रसाद और भेंट किया सरूपा। पीएम के जन्मदिन पर गुरुद्वारा बंगला साहिब में किया गया था अखंड पाठ का आयोजन। ब्रिटेन ने अपनी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को नम आंखों से दी आखिरी विदाई। विंडसर कैसल में दफनाया गया साम्राज्य के आखिरी दर्शनों को उमड़ा जनसैलाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के लगभग शीर्ष 500 नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्वी ब्रिटेन के शहर लिसेस्टर में दो समुदायों के बीच हिंसा में भारतीय समुदाय और हिंदू धर्म स्थल के परिसर में प्रतीक चिन्हों को बनाया गया निशाना। तनाव के बाद 27 लोग गिरफ्तार। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने की दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस से अलग हो चुके पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भाजपा में शामिल हो गए। पंजाब चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया था। आज न सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा का दामन थामा, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी भाजपा में कर दिया। उनके साथ कई बड़े पंजाब के नेता भी भाजपा में शामिल हो गए। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन से हटने के बाद बीजेपी लगातार राज्य में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में लगी है। सोमवार को इन कोशिशों को उस समय बल मिला जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सोमवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल हो गए। अमरिंदर के साथ न केवल बड़ी संख्या में नेता बीजेपी में शामिल हुए, बल्कि अमरिंदर ने अपनी पार्टी का भी बीजेपी में विलय कर लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। पार्टी में शामिल होने के बाद अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा का आभार जताया और कहा कि बीजेपी ही देश हितों का ख्याल रखने वाली पार्टी है। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट आवर ओन स्टेट एंड इफ यू डोंट डू इट देन वी आर नॉट डूइंग आवर रिस्पांसिबिलिटीज नॉट वी आर नॉट डूइंग दिस अनफॉर्चूनेटली China is way ahead of us in weaponry, and we have it is our fault. It is the fault of the Congress party. Let me tell you quite clearly, I am not doing it because I am no longer in the Congress, but I am doing it because I don't think in the four terms that Mr. Antony was there, even one type of weapon was ever purchased for the army, or the air force, or the navy. अमरिंदर के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत करते हुए बीजेपी ने कहा कि वो हमेशा से ही राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते रहे हैं। पार्टी का कहना है कि पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य को सही से संभालने की जरूरत है और इसके लिए समान विचारधारा वाले लोगों का साथ आना जरूरी है। कैप्टन साहब की जो सोच है वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती रही है, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें हमेशा गर्व से यह कहा जाता रहा है कि सबसे पहले राष्ट्र और दूसरे नंबर पर पार्टी। इस सिद्धांत को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हमेशा अपने जीवन में अपनाया। अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, the way India is progressing, we all feel that right-thinking people of the country must be united. And I feel it is very special occasion
that a very sensitive state like Punjab must be handled in a proper manner by right people. We have been seeing Captain Saab and his functioning. बीजेपी में शामिल होने के बाद अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पिछले साल कांग्रेस छोड़ दी थी और पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया था। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, भाजपा और सुखदेव सिंह ढींडसा के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ मिलकर पंजाब चुनाव में उतरी थी। हालांकि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और स्वयं कैप्टन को पटियाला शहरी सीट से पराजय का सामना करना पड़ा। पंजाब के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके सिंह पूर्ववर्ती पटियाला शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी को राज्य में मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लखनऊ की सड़कों पर आज जमकर सियासत देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला तो नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने मार्च रोक दिया। सपा के विरोध पर यूपी सीएम ने सवाल उठाए और कहा कि राज्य में अराजकता फैलाने का किसी को हक नहीं है। बीजेपी ने सपा के प्रदर्शन को गैर जरूरी बताया और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में सोमवार से विधानमंडल के सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन लखनऊ में विधानसभा के सदन में नहीं बल्कि सड़क पर सियासत देखने को मिली। यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। सपा द्वारा निकाले गए मार्च के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके चलते पुलिस ने रास्ते में ही सपा के मार्च को रोक दिया। पुलिस ने मार्च निकालने के लिए तय नियमों का पालन करने का अनुरोध भी सपा नेताओं से किया, लेकिन सपा नेताओं ने पुलिस की बात नहीं सुनी। विरोध के चलते पुलिस को मार्च रोकना पड़ा। पैदल मार्च के संबंध में बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी उपरोक्त दल द्वारा कोई भी अनुमति स्थानीय पुलिस प्रशासन से नहीं ली गई। इसके बावजूद प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए पुलिस ने उनके पैदल मार्च की का रूट तय किया, लेकिन संबंधित दल द्वारा एक ऐसे रास्ते से जाने के लिए जिद की गई जिसमें कि संवैधानिक संस्थान जैसे कि राजभवन तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उस रास्ते में पूर्व में भी एक बार पुलिस पे अटैक हुआ था। सड़क पर आम जनता जहाँ पे मूव करती है वहाँ के लिए कुछ निश्चित नियम कानून बने हुए हैं। हमारा यही प्रयास है कि उन कानूनों का अनुपालन कराया जाए। साथ ही जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, विधान भवन जाना तो ठीक है, परंतु रास्ते में किसी प्रकार का की पद यात्रा करना, उसकी अनुमति ली जानी आवश्यक है। जो विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, कई कई बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर हैं, बड़े बड़े पदों पे पूर्व में लीडर पोजीशन रहे, वो सब साथ हैं, उनको सदन में नहीं जाने दे रहे। सपा के विरोध मार्च पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़े किए और कहा कि राज्य में अराजकता की कोई जगह नहीं है। किसी भी दल और व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर उन्होंने अनुमति मांगी होगी तो पुलिस उन्हें अनुमति जरूर देगी। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार हर मुद्दे पर सदन में चर्चा को तैयार है, लेकिन सपा चर्चा से बच रही है। और उनकी पार्टी इस समय बेरोजगारी की स्थिति में, सत्ता से उनको जनता ने बेदखल कर दिया है और अभी कोई दूर दूर तक उनके कहीं आसपास सत्ता के निकट आने की संभावना नहीं है।
ये बौखलाहट के प्रदर्शन है। अगर उनको सार्थक या विपक्ष की भूमिका अदा करनी है तो सदन में आकर के विषय को रखें, चर्चा करें। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र के पहले दिन ही सपा ने सड़क पर उतरकर विरोध किया, लेकिन अभी पूरा सत्र बाकी है जिसके चलते अभी और धरना प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि सत्र के दौरान चर्चा सदन में होनी चाहिए, सदन के बाहर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में अखंड पाठ का आयोजन करने वाले सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उनसे मुलाकात की और उन्हें प्रसाद व अपना आशीर्वाद दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के गुरुद्वारा श्री बाला साहिब जी ने अखंड पाठ का आयोजन किया, जो कि 15 सितंबर को शुरू हुआ और 17 सितंबर को समाप्त हुआ। इस अखंड पाठ में हजारों सिख भक्तों ने भाग लिया। ये शायद अपनी तरह की पहली पहल थी जब किसी गुरुद्वारे ने देश के प्रधानमंत्री के लिए अखंड पाठ का आयोजन किया था। इस अवसर पर गुरुद्वारा द्वारा लंगर, स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसी सिलसिले में गुरुद्वारे के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर भेंट की। सिख प्रतिनिधिमंडल ने पगड़ी बांधकर और सिरोपा भेंट कर प्रधानमंत्री का सम्मान किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की अरदास भी की। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनकी शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उन्हें सिख समुदाय का हिस्सा महसूस कराने के लिए उनके हाव भाव से वो विनम्र और गहराई से प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री ने साथ ही सिख समुदाय के कल्याण के लिए लगातार काम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री द्वारा सिख समुदाय के सम्मान और कल्याण के लिए की गई महत्वपूर्ण पहल के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने, गुरुद्वारों द्वारा चलाए जा रहे लंगरों पर GST को हटाने और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां भारत लाने सहित अनेक प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। भारत सिंगापुर संयुक्त मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक के नतीजों की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री लॉरेंस बोंग, सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थीं। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष तौर पर डिजिटल संपर्क, वित्तीय प्रौद्योगिकी, हरित अर्थव्यवस्था, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे उभर रहे क्षेत्रों सहित विस्तृत विषयों पर हुई चर्चा के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। नई दिल्ली में दो दिवसीय एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की 47वीं वार्षिक सभा का आयोजन किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। मीडिया और प्रसारण उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की 47वीं वार्षिक सभा और सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोरोना महामारी के दौरान दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो समेत अन्य चैनलों द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना की। आई वुड स्पेशली अप्रिशिएट इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर विच इज दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो एज दे वेरी सेटिस्फैक्टरी delivered on their mandate of public service and stood strong with the people during the testing times of the pandemic. Thank you for being there. Even the other Indian broadcasters and Indian media in general ensured that COVID-19 awareness messages, important government guidelines and free online consultations with doctors reached everyone in nook and corner of the country. Expert opinions through programs like Doctor Speak and campaigns such as Mask Up India by the public broadcaster Doordarshan played a very significant role at the time when fake news on the pandemic became a menace.
अनुराग सिंह ठाकुर ने समाज और मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि मेनस्ट्रीम मीडिया के सामने सच को सही समय पर पेश करने की बड़ी चुनौती है। उन्होंने साथ ही कहा कि पत्रकार को बिना किसी भेदभाव के सही खबर जनता तक पहुंचानी चाहिए। Our mainstream media organizations have a great challenge to provide truthful, accurate, reliable news faster while preserving media ethics and values. Real journalism is about facing the facts, presenting the truth, letting all sides the platform to present their views. I strongly believe that journalists are duty bound to report news without fabrication, despite temptations to compete with those who propagate false news. कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वहीं 2021 के लिए यह पुरस्कार कंबोडिया को दिया गया। दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो लिव्ड अप टू देयर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। डीडी एंड एआईआर चैनल्स अक्रॉस द कंट्री एंड इवन all the relay transmitters, they functioned 24/7 without a break, disseminating information on COVID to the people. Stories of COVID warriors from nook and corner of the country, ground reports, beneficiary bites, Mask Up India campaign, doctors speak, taking live question and answers from the people in regional and local languages throughout the country. एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD 26 देशों का संगठन है जिसमें 43 संस्थाएं एवं 50 से अधिक सदस्य शामिल हैं। ये संगठन प्रसारण के क्षेत्र में गुणवत्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, ईडी न्यूज, नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा सुबह 9 बजे गांधीनगर स्थित नभोई के पटेल फार्म में भाजपा किसान मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित नमो किसान पंचायत ई बाइक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके पश्चात वो होटल लीला गांधीनगर में मेयर समिट में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2 बजे भाजपा अध्यक्ष रेस कोर्स ग्राउंड राजकोट सिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्यों, म्यूनिसिपैलिटी काउंसिलर्स और कोऑपरेटिव संगठनों के चुने हुए प्रतिनिधियों के एक विशाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे वो मोरबी में एक भव्य रोड शो करेंगे। इसके बाद रात 8:30 बजे वो गांधीनगर स्थित होटल लीला में वीरांजलि कार्यक्रम में भाग लेंगे। भाजपा अध्यक्ष बुधवार की सुबह 10 बजे गांधीनगर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय श्री कमलम में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों एवं प्रदेश भाजपा के मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके पश्चात प्रदेश भाजपा कार्यालय में ही वो गुजरात से भाजपा के लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में जेपी नड्डा टैगोर अहमदाबाद के टैगोर हॉल में प्रोफेसर समिट को संबोधित करेंगे। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में महाभारत कालीन कई तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है। पुस्तक को नीरा मिश्रा और राजेश लाल ने लिखा है। कनेक्टिंग विद द महाभारत पुस्तक में इतिहास, भूगोल, पुरातत्व, संस्कृति और कला को खूबसूरती के साथ प्रदर्शित करने की कोशिश लेखक ने की है। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महाभारत के मध्य में गीता है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाभारत एक जीवंत विद्या है जिससे हम दुनिया को चलाना सीखते हैं। महाभारत के मध्य में गीता है और उसका सार महाभारत का महाभारत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में है। 5 श्लोक है, उसको भारत सावित्री कहा जाता है। मैं तो राम जैसे बनूंगा लेकिन मुझे जिस दुनिया में से जाना है उसमें उसको टिकाए कैसे चलना, महाभारत। और जीवन के इस संघर्ष में चलते चलते अपने मन में भी खटास आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, शत्रुता आ जाती है, हो सकता है मनुष्य है हम, तो उससे निवृत्त होने के लिए भागवत पढ़ो। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को देर शाम तक चली अंतिम संस्कार की रस्म के बाद विंडसर कैसल में दफना दिया गया। अंतिम विदाई की प्रक्रिया में उनके ताबूत को विंडसर कैसल स्थित सेंट जॉर्ज चैपल के शाही वॉल्ट में उतारा गया। ब्रिटिश शाही परिवार के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य लॉर्ड चैम्बरलेन ने राज दंड तोड़ने की रस्म पूरी की।
सफेद राजदंड तोड़ने की रस्म राजशाही के प्रति उनकी सेवाओं की समाप्ति का प्रतीक है। शाही परिवार और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दिवंगत महारानी को अंतिम विदाई दी। पूरी दुनिया ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को नम आंखों से विदाई दी। महारानी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से करीब 2000 मेहमान लंदन पहुंचे। इनमें राष्ट्रपति जो बाइडेन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसे बड़े नेता शामिल हैं। बीते चार दिनों में ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी का पार्थिव शरीर वेस्टमिंस्टर हॉल में आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। जब देश विदेश के हजारों शुभचिंतकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनकी अंत्येष्टि में करीब 5000 राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुख शामिल हुए। रूस और बेलारूस को छोड़कर बाकी लगभग सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत दुनिया के अन्य नेता और गणमान्य व्यक्ति महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। श्रद्धांजलि देते समय जो बाइडेन काफी भावुक दिखे। उन्होंने क्रॉस का चिन्ह बनाया और चुपचाप खड़े होकर हाथ अपने सीने पर रख लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति महारानी के निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि वैश्विक मंच पर एक बड़ी खाई पैदा हो गई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ ने विश्व में गरिमा और सेवा का संचार किया है। मेरा दिल शाही परिवार, किंग चार्ल्स और उनके पूरे परिवार के लिए काफी भावुक हो रहा है। महारानी के निधन से वैश्विक मंच पर एक बड़ी खाई पैदा हो गई है और कभी कभी लगता है कि आप इस कमी को कभी भर नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने किंग चार्ल्स को कहा है कि महारानी एलिजाबेथ हर पल उनके साथ हैं। इस मुश्किल की घड़ी में हम ब्रिटेन के सभी लोगों के साथ हैं और आप लोग भाग्यशाली थे जिन्होंने महारानी के 70 साल के शासन को देखा। स्पेन के राजा किंग फिलिप सिस्टम और किंग कार्ल 16वें गुस्ताफ और स्वीडन की रानी सिल्विया दुनिया के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले किंग चार्ल्स ने महारानी के अंतिम संस्कार में शिरकत करने आए मेहमानों का स्वागत किया। अतिथियों के स्वागत के लिए बकिंगहम पैलेस में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की। लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा ब्रिटेन उमड़ पड़ा। लंदन में ऐसा लग रहा था कि आम जिंदगी थम गई हो। पार्लियामेंट क्वायर से विक्टोरिया स्ट्रीट तक जहां तक देखो वहां तक लोग नजर आ रहे थे। ब्रिटेन के लोग सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली महारानी की आखिरी झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 8 सितंबर को हुआ था। वे 96 वर्ष की थी। एलिजाबेथ 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। वे 70 साल तक महारानी रही। एलिजाबेथ सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, 15 और देशों की भी महारानी थी। पूर्वी इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में पिछले महीने के अंत में एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद शनिवार और रविवार की तड़के गंभीर अव्यवस्था में प्रशंसकों के बीच झड़प हो गई। ब्रिटेन के लीसेस्टर में दो समूहों के बीच कई हिंसक झड़पों की खबर देखने को मिली है। लीसेस्टर में हिंसा व तनाव की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी दौरान एक धर्मस्थल में तोड़फोड़ व झंडा निकालने की भी बात सामने आई है। लीसेस्टर पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया है और शांति की अपील की है, लेकिन तनाव कायम है। सोशल मीडिया में जारी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ताज़ा हिंसा एक विरोध मार्च के कारण फैली। इसके वीडियो फुटेज में पुलिस को भीड़ को लोगों को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। इसी दौरान कांच की बोतलें फेंकी गई और कुछ लोगों ने लाठियाँ और डंडे लेकर सड़क पर उधम मचाया। उधर लंदन में भारतीय उच्चायोग ने लीसेस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा की निंदा की और इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उच्चायोग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि हम लीसेस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा और हिंदू धर्म स्थल के परिसर में
प्रतीक चिन्हों को नुकसान पहुंचाने की निंदा करते हैं। हमने इस मामले को ब्रिटिश प्रशासन के समक्ष उठाया है और इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों से हमारी मांग है कि प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD News के साथ। नमस्कार।